तो चलो अभी थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है, मैं फिफ्थ गियर में था, पता नहीं जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो कैसे जर्क मारता है, वैसे दो तीन बार किया है इसने, और जिसका डर था वही हो गया, बाइक बंद। क्या सही रूट है विलेज वाला, चारों तरफ ग्रीनरी, मज़ा ही मज़ा आ रहा है राइड करने में। मैं तो बोलता हूँ राइड हो तो ऐसा हाफ हाईवे और हाफ ऐसे स्टेट हाईवे वाले ग्रीनरी वाले रूट, तो दिल को तसल्ली रहे, और पूरा हाईवे ही करते रहो तो फिर बोरिंग लगता है। ओए तो मुझे पता नहीं गोप्रो में दिख रहा हो कि नहीं, लेकिन वो माउंटेन एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग करके छोड़ दिया। बस बारिश ना हो भगवान, फिर से रेनकोट पहनना पड़ेगा। ये देखो क्या रोड है भाई, क्या रोड है, मज़ा आ गया। मतलब सुबह से उठना मैं एक्साइटेड तो था आने के लिए, लेकिन हाईवे राइड कर रहा था, बारिश में चला रहा था, तो उतना भी एंजॉय कर नहीं रहा था मैं, लेकिन अब मज़ा आ गया एक्चुअली। अब मुझे दिल को तसल्ली मिली कि ठीक है, आना वर्थ हुआ। अभी मुझे हेयर पिन बेंड भी करने हैं, लेकिन फिर भी इतने से भी मैं खुश हूँ। क्या नज़ारा है, ओके तो फाइनली कोली हिल्स यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने गेस किया कि शायद वो वेलकम टू कोली हिल्स ही होगा। और देखो यहाँ से रोड अभी स्टार्ट हो चुका है, नाउ आई हैव टू कवर 70 हेयरपिन बेंड्स, मज़ा आया। ओके ये है फॉरेस्ट चेकपोस्ट कोली हिल्स के लिए, पता नहीं शायद रुकाएंगे या नहीं रुकाएंगे, पता नहीं। ओके रुकाया नहीं, फिर मैंने कुछ वीडियोस देखा था जिसमें एक्चुअली दिखा रहे थे कि ये इसी, जिसमें दिखा रहे थे कि इसी फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर सबको रुकाया गया था जो भी मतलब बाइकर्स वगैरह आते थे। ये देखो अभी ये गूगल मैप देखो कैसा सही दिख रहा है ना, सो दीज आर 70 हेयर पिन बेंड्स। फाइनली कोली हिल्स, अरे कितने टाइम से प्लान कर रहा था कोली हिल्स जाऊंगा, और आज फाइनली हो पाया। तो कोली हिल को माउंटेन्स ऑफ डेथ भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी है, और वन ऑफ द डेंजरस हेयरपिन बेंड्स भी कहा जाता है कोली हिल्स को, बिकॉज इसके जो हेयरपिन बेंड्स है दैट इज ऑलमोस्ट 70, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। बस मैंने तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो इनकमिंग ट्रैफिक जो भी है थोड़ा हॉर्न करते जाना इज बेटर, सेफ रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा बाइकर्स वही आते हैं जिनको कॉर्नरिंग वगैरह करना पसंद है, और जिनको बाइक सुलाना उलाना पसंद है, ज़्यादा नहीं सुलाना चाहिए वरना खुद ही सो जाओगे। क्या नज़ारा है, माउंटेन्स, क्लाउड,
तो ये जो हेयरपिन बेंड से आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 से 3 घंटा में कवर हो जाता है, नहीं आई थिंक 1 घंटा ही दिखा रहा है, 1 घंटे में कवर हो जाता है। पता नहीं किसी तो यूट्यूब वीडियो में मैं देख रहा था तो उसने बोला था कि 3 घंटे में कवर हो जाता है। तो जनरली ना फॉरेस्ट एरिया में लिखा होता है कि हॉर्न वगैरह मत बजाओ, लेकिन यहाँ हर आई थिंक 501 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लिखा गया है कि भाई हॉर्न मारो, क्योंकि पता नहीं चलता अगर आगे से बस वगैरह आ रही है तो रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए वो टर्न मारना मुश्किल हो जाता है। तो 40 हेयरपिन बेंड्स अभी हो चुके हैं और अभी कितना बाकी है, 30 हेयरपिन बेंड्स और कवर करने। तो अभी तक मैंने 50, एक सेकेंड थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे, तो अभी तक मैंने 58 हेयरपिन बेंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। और ये देखो चारों तरफ फॉग ही फॉग भाई, फुल फॉग। डन और 10 हेयरपिन बचे हैं। ये देखो क्या नजारा है यार, क्या नजारा देख, पूरा फॉग। वाह वाह, मतलब पूरा राइडर्स का ग्रुप हो तो और भी मजा आता है इधर आने में। 64 लेकिन जो हेयरपिन बेंड्स हैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं एक्चुअली, इसलिए जल्दी जल्दी हो पा रहा है। ऊपर जाते जाते बहुत ठंड लग रही है अब। अबे सेकंड गियर पे भी नहीं चढ़ती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस बाइक की। मैंने क्लच वगैरह सब सेटिंग भी करवाया था, फिर से मुझे वही दिक्कत आ रहा है, पिकअप ही नहीं ले रहा गाड़ी। और हम पहुंचने वाले हैं हमारा फाइनल हेयरपिन बेंड। ये रहा, ओ यहाँ पे काफी बाइकर्स। तो 17th हेयरपिन बेंड पहुंचने के बाद मैं इन कुछ बाइकर से बात कर रहा था और ये सारे बाइकर कर्नाटका से ही थे,
और यहाँ पे काफ़ी टाइम बात करने के बाद मैंने फ़ोटोज़ वोटोज़ के लिए इन्हीं की हेल्प ली, दे वर काइंड इनफ, उन्होंने कुछ मेरे लिए फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। और मैं 10 या 15 मिनट रुका था, और मैं यहाँ पे अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, बताता हूँ, जो मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था। मेरा अलग ही प्लान था कि मैं ऊपर 70th हेयरपिन बेंड करने के बाद यहाँ पे बैठूँगा आराम से, रिलैक्स, आधा घंटा एक घंटा जितना भी मन करे आराम से बैठ जाऊँगा, जो भी गोप्रो वगैरह चार्ज करना है आराम से वो चार्ज करके फिर यहाँ से मैं बेंगलोर के लिए निकलूँगा। तो जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की तो मेरा गोप्रो जो हीरो 10 था वो बंद हो गया, पता नहीं क्यों, बैटरी डाउन होगा जितना मुझे आइडिया है, बैटरी डाउन था ही उसका, तो गोप्रो 7 ऑन था। तो मैंने गोप्रो 7 लगाया और मैंने सोचा कि यहाँ पे उन लोगों का फ़ोटो सेशन और थोड़ा बातचीत भी चला था, तो मैं थोड़ा अकेला बैठना चाहता था कि जहाँ पे कुछ क्राउड वगैरह ना हो, बाइकर्स वगैरह ना हो, तो नीचे ही जाके किसी एक हेयरपिन बेंड के पास या व्यू पॉइंट के पास जाके बैठ जाऊँगा कुछ देर के लिए। और यहाँ से मेरी हालत अभी ख़राब होती। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया नीचे आना तो मुझे प्रेशर आया, 2 नंबर जो हम लोग बोलते हैं, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने चलो ये तो बाद में देख लेंगे ना, कहीं भी होटल में मिल जाएगा तो फिर मैं वॉशरूम देख लूँगा। तो मैंने 70th हेयरपिन 69 68 पे आया और सडनली मेरा पेट बहुत दर्द करने लगा, इस लेवल पे दर्द करने लगा कि जहाँ मैंने बाइक रुकाया था सोचा था कि 10 मिनट बैठ जाऊँगा, मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई, मुझे बाइक लेके लिटरली नीचे भागना पड़ा। और सिचुएशन तो ऐसा था कि पता नहीं पेट इतना ज़्यादा दर्द करने लगा था, प्रेशर आने लग गया था कि मैं सोच रहा था अब क्या करूँ यहाँ पे। अब इमेजिन करो मुझे 68 हेयरपिन बेंड से फर्स्ट हेयरपिन बेंड में जाना है, और ये भी पता है कि ये तो पूरा विलेज एरिया है, यहाँ पे कहाँ मुझे होटल या वॉशरूम कुछ मिलेगा। तो किसी तरह मैंने बाइक स्टार्ट की, नीचे आने लगा और बहुत पेन हो रहा था, मतलब नहीं हो रहा था मुझसे, मैं पता नहीं बता नहीं सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। किसी तरह भगाते भगाते नीचे आया और एक चेक पोस्ट मिला, जो चेक पोस्ट मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, ये एक चेक पोस्ट है जहाँ पे हम एंट्री करते हैं कोली हिल्स के लिए, वहीं पे एक सर बैठे थे, बोला सर वॉशरूम है क्या, तो मैं भागा वॉशरूम गया और फिर सब काम वाम हो गया, उसके बाद मैं रिलैक्स हुआ, बाहर आया, फिर मैंने काफ़ी देर तक बाइक चलाया, मैंने कैमरा वगैरह कुछ ऑन नहीं किया था क्योंकि मैं पूरा दिमाग ख़राब हो गया था इसके वजह से। तो एक बार हाईवे पहुँचने के बाद फिर मैंने बीच में कहीं तो रोका था पेट्रोल के लिए, और फिर मैंने वहाँ पे अपने गोप्रो वगैरह सब चार्ज किए, और यहाँ से फिर मैंने हाईवे टच किया, मैंने सोचा कि अभी मैं रिटर्न बैंगलोर निकल सकता हूँ, तो अभी आगे से वीडियो देख सकते हो। अभी का टाइम हो चुका है 6:30 और एक्चुअली मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, मैं कंटिन्यूस राइड ही कर रहा था, और बैंगलोर यहाँ से है कुछ आई वुड से 80 या 90 किलोमीटर, तो आई थिंक हो जाएगा 1 या 2 घंटे में। मैं अभी यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुका हूँ, तो मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग बना लेता हूँ, इसके बाद तो सिर्फ मैं मोटो ब्लॉग ही कर पाऊँगा और कहीं रुकने के चांसेस बहुत कम है। तो गूगल बता रहा है कि करीब करीब 8 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, देखते हैं, अभी ट्रैफिक तो है नहीं उतना। ठीक है, तो मैं अभी चाय पी लेता हूँ, मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद सीधा बैंगलोर, और कहीं स्टॉप नहीं, डायरेक्ट सीधा घर पहुंचना है, और बाकी कुछ बातें हो तो मोटो ब्लॉग पे मिलते हैं, वहीं बात करेंगे। ओके, तो चलो अभी अपना 20 मिनट का ब्रेक हो गया यहाँ पे और अंधेरा भी हो गया, अभी निकलते हैं। एक सेकेंड, ये फिर भूल जाता मैं हेलमेट का स्ट्रैप लगाना याद ही नहीं रहता हमेशा।
तो राइड तो अच्छी रही आज, और अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, लेकिन बैंगलोर में अभी भी बारिश हो रहा है। तो शायद मुझे जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी वगैरह, शायद मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास पहुंचूंगा तो शायद मुझे बारिश मिले। लकीली अभी तो बारिश नहीं है, और बाकी सब बढ़िया है, राइड भी बढ़िया जा रही है, कोई टेंशन नहीं। अभी बस 80-90 किलोमीटर ही कवर करना है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी राइड कंटिन्यू रखता हूँ, और देखते हैं कब बेंगलुरु पहुँचेंगे।